हिंदू समर ट्रस्ट ये हर साल करती है। ये हमारा छठा महोत्सव है और ये हम लोग परिवार के लिए करते हैं, कायस्थ महापरिवार के लिए। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि परिवार यहाँ पे इकट्ठा हो और एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपना परिचय दे, और कोशिश ये रहे कि दहेज रहित हमारा समाज रहे और दहेज के बिना शादी करें। इससे फायदा ये होता है कि लोग आपस में मिलते जुलते और लड़का लड़की के बारे में जानकारी हासिल होती है, तो कई शादियाँ यहीं बैठे बैठे भी हो जाती है, उनके बातों आपस में बात हो जाता है, उनकी शादियों की तैयारी हो जाती है। तो ये एक अच्छा हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य है और इसमें अब तक लगभग आपको 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आपके संस्था द्वारा और बच्चों के द्वारा। यहाँ पे हम लोग अभी जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, हमारा एक वेबसाइट है kaisthvivad.com, उस पर भी ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। साथ में हम लोग एक किताब बनाते हैं और जितने भाग लेते हैं पार्टिसिपेंट लेते हैं उनको हम लोग किताब भेजते हैं, उससे भी उनको अपने किताब पे देखकर वो अपना जोड़ा। एक तो फायदा ये होता है, दूसरा ये होता है कि ये एक आपस में मिलना भी जुलना भी हो जाता है और लड़का लड़की को आमने सामने देख के लेंगे। क्या होता है कि ऐसे आप अगर किसी को परिवार को कहो लड़की दिखाओ लड़का, तो लड़की में वो आती है कि हमें बार बार जाके एक डिस्प्ले की तरह हमें दिखाना पड़ता है, और इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि लड़की खुद आकर अपना बायोडाटा अपना खुद बताती है और लड़का भी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उससे समाज को जो जो लड़कियों में एक जो थोड़ा सा जो उनमें एक जो डर होता है वो डर खत्म हो जाता है, वो अपने अपने बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। बायोडाटा आ चुका है, निवेदन चल रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को हमेशा आगे रखो, हमारे संस्था का यही एक संदेश है। और मैं सभी कायस्थ महापरिवार से एक ही अनुरोध करूंगा कि आपस में मिलजुल के रहें, और मिलजुल के रहने में ही सबसे बड़ी भलाई है, और समाज तभी मजबूत होता है जब आपस में आदमी मिलजुल के रहें।